शायर जमाली ने कहा था कि धूप को छांव बनाने का हुनर करना है, धूप को छांव बनाने का हुनर करना है, काम दुश्वार सही यार मगर करना है। और एक नए शेर की तख्लीक कोई खेल नहीं, एक नए शेर की तख्लीक कोई खेल नहीं, यूं समझ लीजिए मिट्टी को बशर करना है, यूं समझ लीजिए मिट्टी को बशर करना है। लेकिन मेरी फहरिस्त में एक ऐसा शायर मौजूद है जिसने अपनी कलम के ज़रिए एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे अशार तख्लीक किए जिसको बड़े फ़ख्र के साथ नाज़िम मुशायरा अपनी निज़ामत का इंतखाब बनाकर अपनी निज़ामत को खूबसूरत बनाता है। मेरी मुराद है जनाब ताबिश इलाहाबादी साहब से, मैं उन्हें उन्हीं के इन अशार के ज़रिए दावत कलाम दे रहा हूँ कि दुश्मन खड़ा था सामने हाथों को जोड़कर, दुश्मन खड़ा था सामने हाथों को जोड़कर, मैं भी गले से लग गया तलवार छोड़कर। और कुछ ऐसे तिश्ना लब है जमाने में, कुछ ऐसे तिश्ना लब हैं जमाने में आज भी पानी निकाल लेते हैं पत्थर निचोड़कर। पुरजोर ताली में इस्तकबाल कीजिए आली जनाब ताबिश इलाहाबादी साहब। अस्सलामु अलैकुम। मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि दयारे मालेगांव में मैं खड़ा हूँ। एडिप्टर में ही लगे, बंद कर दो। मैं यकीनन बहुत अपने आप को खुश नसीब महसूस करता हूँ कि मैं एक ऐसे शहर के अंदर खड़ा हूँ जहाँ मुझे मज़हब नहीं इस्लाम दिखाई देता है। मैं रेहान अंजुम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेरे छोटे भाई हैं, मुझे हमेशा याद करते हैं और मैं सर के बल उनके लिए हाजिर हूँ। मैं आप लोगों को क्या सुनाऊं, आप खुद इतने अच्छे हैं और ऐसी समाज के मालिक हैं कि जिन्होंने न जाने कितने शेरों को अपने जहन में रखा होगा। मैं तालिब इल्म आप लोगों की समात और मैं चाहता हूं कि नाते सरवरे कौनैन से अपनी बात शुरू करूं। जी चलो सब मिलके करते हैं, चलो सब मिलके करते हैं खुदा के यार की बातें। क्या बात है, चलो सब मिलके करते हैं खुदा के यार की बातें, जमीन पर जो उतर आया उसी दिलदार की बातें। अहे जमीन पर जो उतर आया उसी दिलदार की बातें। सहाबा और सहाबा में यही तो बात होती थी, सहाबा और सहाबा में यही तो बात होती थी, कभी अखलाक का चर्चा कभी किरदार की बातें, कभी अखलाक का चर्चा कभी किरदार की बातें। देखिए जहां से मुझे याद आता है, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग फरमाइशें दी, मैं कोशिश करता हूं। देखिए शेर, देखिए वहां से मांग जहां को जहां से मिलता है, वहां से मांग जहां को जहां से मिलता है। क्या बात है, दयारे यार सरे लामका से मिलता है। आहा, वहां से मांग जहां को जहां से मिलता है, दयारे यार सरे लामका से मिलता है, कोई जो ढूंढने आए तो क्या मिले उसको, कोई जो ढूंढने आए तो क्या मिले उसको, मेरा पता भी तेरे आस्था से मिलता है। आए, है, है, है। वाह वाह वाह। कोई जो ढूंढने आए तो क्या मिले उसको, मेरा पता भी तेरे आस्था से मिलता है, मेरा पता भी तेरे आस्था से मिलता है। कुछ फरमाइशें, कुछ नया कुछ पुराना, मतलब हुस्न वालों से दिल लगाने तक। आए है, हुस्न वालों से दिल लगाने तक, हुस्न वालों से दिल लगाने तक लग गए सैकड़ों ठिकाने तक, हुस्न वालों से दिल लगाने तक लग गए सैकड़ों ठिकाने तक, उनकी आंखों में झांक लेते हैं, उनकी आंखों में झांक लेते हैं, कौन जाए शराब। अरे हे हे हे, अरे क्या बात है, आहा। उनकी आंखों में झांक लेते हैं, कौन जाए शराब खाने तक, निबसकीना अमीर जादों से। क्या बात, निबसकीना अमीर जादों से भूख पहुंची गरीब खाने तक। क्या बात, वाह। निबसकीना अमीर जादों से
भूख पहुंची गरीब खाने तक और तकती रहती है माँ किवाड़ों को, तकती रहती है माँ किवाड़ों को अपने बच्चों के लौट आने तक, तकती रहती है माँ किवाड़ों को अपने बच्चों के लौट आने तक। गजल का मतलब देखिए, कुछ नया कुछ बनाया जी भाई। समाज को सलाम, आप सबको सलाम। हेलो, मतलब देखिए कि तसव्वुर में सर को झुकाया है मैंने, कुछ नया। तसव्वुर में सर को झुकाया है मैंने, तुम्हें और नजदीक पाया है मैंने। तसव्वुर में सर को झुकाया है मैंने, तुम्हें और नजदीक पाया है मैंने। समझ बूझ कर चोट खाई है ताबिश, समझ बूझ कर चोट खाई है ताबिश, समझ बूझ कर दिल लगाया है मैंने। समझ बूझ कर चोट खाई है ताबिश, समझ बूझ कर दिल लगाया है मैंने। क्या कहने, वाह 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 वाह। देखिए गजल का मतलब, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मतलब और मकते में काम निकाल लूं बीच के शेर। चलिए सर, शुक्रिया जी। मोहब्बत है ये, आप अच्छे हैं, आपकी समातों को और तमाम शोरा इकराम की जानिब से। मतलब देखिए कि सारा मंजर बदल दिया मैंने, सारा मंजर बदल दिया मैंने, सारा मंजर बदल दिया मैंने, नफरतों को मसल दिया। आए है, है, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। सारा मंजर बदल दिया, वाह 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 वाह। सारा मंजर बदल दिया मैंने, नफरतों को, नफरतों को मसल दिया मैंने। मुंतजिर जिसकी थी कई सदियां, मुंतजिर जिसकी, मुंतजिर जिसकी थी कई सदियां, इस सदी को वो पल दिया। क्या कहने, वाह 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 वाह। मुंतजिर जिसकी थी कई सदियां, इस सदी को वो पल दिया मैंने, इस सदी को वो पल दिया मैंने। और मेरे बुजुर्गवार बैठे हुए जिनसे मैंने सीखा है जूतियों में बैठकर, बात उनकी मेरी जुबान से। इस सदी को वो पल दिया मैंने, जो अलम जो अमल फैजियाब करता है, जो अमल फैजियाब करता, जो अमल फैजियाब करता है, आपको वो अमल दिया मैंने। वाह। जो अमल फैजियाब करता है वो, आपको वो अमल दिया मैंने, आपको वो अमल दिया मैंने। और ये मेरे नौजवान भाइयों के लिए, आपको वो अमल दिया मैंने जिसमें रहता है बस मेरा मौला, जिसमें रहता है बस मेरा मौला, जिसमें रहता है बस मेरा मौला, तुझको वो दिल भी चल दिया मैंने। आए वाह 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 वाह। जिसमें रहता है बस मेरा मौला, तुझको वो दिल भी चल दिया मैंने। और दस्त बस्ता जवाब थे ताबिश, दस्त बस्ता जवाब थे ताबिश, तब सवालों का हल दिया मैंने। वाह। तब सवालों का हल दिया मैंने। एक गजल और जहमत है तमाम, एक कोशिश ये कि मैं अलग अलग जाविये से कोशिश। मैं तो जर्रा हूं मगर तूर बना रखा है, मैं तो जर्रा हूं मगर तूर बना रखा है, निगाहे यार ने मामूर बना रखा है। वाह। मैं तो जर्रा हूं मगर तूर बना रखा है, निगाहे यार ने मामूर बना रखा है, हाथ फैलाता नहीं गैर की चौखट पे कभी, निस्बते यार ने मगरूर बना रखा है। वाह 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 वाह। हाथ फैलाता नहीं गैर की चौखट पे कभी, निस्बते यार ने, निस्बते यार ने मगरूर बना रखा है, निस्बते यार ने मगरूर बना रखा है। चार में से और देखिए जी, आता हूं। गुलामों पर इनायत हो रही है, गुलामों पर इनायत हो रही है, गुलामों पर इनायत हो रही है, सखावत पर सखावत हो रही है। क्या बात है। गुलामों पर इनायत हो रही है, सखावत पर सखावत पर सखावत हो रही है, वो मेरे सामने बैठे हुए हैं, निगाहों से इबादत हो रही है। वाह 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 वाह। वो मेरे सामने बैठे हुए हैं, निगाहों से इबादत हो रही है, निगाहों से इबादत हो रही है। देखिए गजल का मतलब देखिए कि गम को छुपा रहा हूं खुशी के लिबास में, थोड़ा जहमत। गम को छुपा रहा हूं खुशी के लिबास में, क्या बात है। आई है मौत बन के दुल्हन मेरे पास। वाह।
गम को छुपा रहा हूँ खुशी के लिबास में, आई है मौत बन के दुल्हन मेरे पास में। और कितना हसीन रब ने बनाया है आपको, कितना हसीन रब ने बनाया है आपको, मुमकिन नहीं है देखना होशो हवास में। वाह 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 वाह, कितना हसीन रब ने बनाया। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। कितना हसीन रब ने बनाया है आप, मुमकिन नहीं है देखना होशो हवास में। मुमकिन नहीं है देखना होशो हवास में। और कीमत वो क्या लगाएंगे मुफलिस के प्यार की, कीमत वो क्या लगाएंगे मुफलिस के प्यार की, जो बन संवर के बैठे हैं सभी लिबास में। वाह, कीमत वो क्या लगाएंगे मुफलिस के प्यार की। वाह 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 वाह, क्या लगाएंगे मुफलिस के प्यार की, जो बन संवर के बैठे हैं जर्री लिबास में, जो बन संवर के बैठे हैं जर्री लिबास में। गम जो मेरा सुना तो बादल भी रो पड़े, गम जो मेरा सुना तो बादल भी रो पड़े, शबनम भी मेरे हाल पे रोई है घास में। गम जो मेरा सुना तो बादल भी रो पड़े, शबनम भी मेरे हाल पे रोई है घास में। वाह, और कड़वा अगर जहर है, वाह 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 वाह, कड़वा अगर जहर है तो पीजा खुशी खुशी। क्या कहने, कड़वा अगर जहर है तो पीजा खुशी खुशी। कीड़े भी साथ आते हैं तब इस मिठास में। आहा वाह वाह, कीड़े भी साथ, शुक्रिया महर। ये आप लोगों की मोहब्बतें, आप लोगों की समातें, कोशिश देखिए कि जो गजल पसंद की थी सबने, जो फरमाइश कर रहे हैं वो कोशिश करें। देखिए, दुश्मन खड़ा था सामने, सभी को पसंद आया, कुछ नया साहब ये तो उसी बात को अंदाज से अलग के, इन फरेबी दोस्तों की दोस्ती के वास्ते। क्या बात है, इन फरेबी दोस्तों की दोस्ती के वास्ते मैंने अपना घर जलाया रोशनी के वास्ते। आहा वाह 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 वाह, इन फरेबी दोस्तों की दोस्ती के वास्ते मैंने अपना घर जलाया रोशनी के वास्ते। मेरे हिस्से में समंदर आ नहीं सकता मगर रेत मैंने खुद निचोड़ी तशनगी के वास्ते। वाह 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 वाह, मेरे हिस्से में समंदर आ नहीं सकता मगर बहुत खूब बहुत, मैंने खुद निचोड़ी तशनगी के वास्ते। गजल का मतलब देखें, ये मेरे बुजुर्गों को नजर मतलब यूं अर्ज किया है कि शिद्दते दर्द से रहने दो बदन चूर हमें, शिद्दते शिद्दते दर्द से रहने दो बदन चूर हमें, राहतों अब न करो दूर से मजबूर हमें। क्या कहने, वाह। शिद्दते दर्द से रहने दो बदन चूर हमें, राहतों अब न करो दूर से मजबूर हमें। एक एक करके उतर जाने दो ख्वाबों के लिबास, एक एक करके उतर जाने दो ख्वाबों के लिबास, कच्ची नींदों का ये रिश्ता नहीं मंजूर हमें। एक एक करके उतर जाने दो ख्वाबों के लिबास, कच्ची नींदों का ये रिश्ता नहीं मंजूर हमें। और शिद्दते दर्द में कुछ दिन यूं ही रहते रहते, क्या शिद्दते दर्द में कुछ दिन यूं ही रहते रहते, रास आ जाएगा इस शहर का दस्तूर हमें। वाह 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 वाह, शिद्दते दर्द में कुछ दिन यूं ही रहते रहते, रास आ जाएगा इस शहर का दस्तूर हमें। रास आ जाएगा इस शहर का दस्तूर हमें। बेझिझक खुद को समझने की हवसनाक तलब, वाह, बेझिझक खुद को समझने की हवसनाक तलब, खींच लाई तेरी यादों से बहुत दूर हमें। वाह 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 वाह, समझने की हवसनाक तलब, खींच लाई तेरी यादों से बहुत दूर हमें। अजनबियत की तलब ठीक है लेकिन ताबिश, अजनबियत की तलब ठीक है लेकिन ताबिश, शौक गुमनामी ना कर दे कहीं मशहूर हमें। वाह 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 वाह। और आखिरी मतलब शेर, फिर इजाजत, आगे बड़े सख्त हैं मेरे रास्ते, मेरा वक्त तुझको डरा ना दे। बड़े सख्त हैं मेरे रास्ते, मेरा वक्त तुझको डरा ना दे, मेरे पास है कई उलझने अभी गेसुओं की हवा ना दे। बहुत खूब। बड़े सख्त हैं मेरे रास्ते, मेरा वक्त तुझको डरा ना दे, मेरे पास है कई उलझने अभी गेसुओं की हवा ना दे। यूं ना हर जगह मेरा नाम ले, जरा एहतियात से काम ले।
क्या कहें, हर जगह मेरा नाम ले, जरा एहतियात से काम ले, ये पत्थरों का समाज है, मेरा साथ तुझसे छुड़ा ना दे। वाह, ये पत्थरों का समाज है, मेरा साथ तुझसे छुड़ा ना दे, और ये सितारों जैसी चमक धमक न सजा के जिस्म पे यूं भटक, ये सितारों जैसी चमक धमक न सजा के जिस्म पे यूं भटक, अरे किसी दिलजले की नजर पड़ी तेरे पैरहन को जला ना दे। वाह 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 वाह, बहुत मुबारकबाद आले जनाब ताबी शलाबादी साहब को। हाजरीन गिरामी तकरीबन 3 बज रहा है, हमारे पास वक्त की तंगी है, शोराए किराम हमारे अजीज दीगर शोराए किराम भी बाकी है। एक मतलब एक शेर के लिए आले जनाब ताबी शलाबादी, आपकी मोहब्बतों के हवाले। फिर से शुक्रिया, मोहब्बतें मोहब्बतें आपकी इनायतें करम मेहरबानियां शुक्रिया। चलिए चलिए मैं कोशिश करता, बड़े सख्त हैं मेरे रास्ते, मेरा वक्त तुझको डरा ना दे, मेरे पास है कई उलझने अभी गेसुओं की हवा ना दे, यूं ना हर जगह मेरा नाम ले, जरा एहतियात से काम ले, ये पत्थरों का समाज है, मेरा साथ तुझसे छोड़ा ना दे, और ये सितारों जैसी चमक धमक न सजा के जिस्म पे यूं भटक, ये सितारों जैसी चमक धमक न सजा के जिस्म पे यूं भटक, अरे किसी दिलजले की नजर पड़ी तेरे पैरहन को जला ना दे। वाह 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 वाह, ये आखिरी क्योंकि वक्त बहुत सारी फेरिश हो, मुझसे अच्छे शोरा बैठे में, देखिए सबने तिरंगे की बात करी, चलिए चलिए कोशिश कोशिश देखिए। हाँ जी, मैं पढ़ूं तो सही साहब, मोहब्बतें आपकी सलाम, मोहब्बतों को सलाम, आपकी समातों को सलाम, आपके शहर को सलाम, ताबिश इलाहाबादी का। दोस्तों देखिए, अगर आप सुनना चाहते हैं तो इंशाल्लाह दूसरे दौर में खास तौर से आपके लिए ताबिश इलाहाबादी को जरूर पढ़ाया जाएगा, अगर आप बैठोगे तो ये मेरा वादा है ताबिश इलाहाबादी सुनाएंगे जब तक आप सुनना चाहोगे, लेकिन अभी हम चाहते हैं कि दिगर शुराए किराम भी सुन ले। आप अगर वाकई में सुनना चाहते तो फिर आप ही मोहब्बत का सबूत दे कि हम बैठेंगे ताबिश इलाहाबादी के लिए, ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत नहीं है कि दूसरे शायरों की कुर्बानी देकर उनको यहाँ पर पढ़ाया जाए। देखो आप लोगों की बात भाई की हुक्म मेरे लिए, सदरे मोहतरम अली जनाब नाजिम, एक शेर पढ़ के मैं अपनी जगह दूंगा, फिर जब आप बोलेंगे। हर आदमी ने और तमाम शोरा ने तिरंगे की बात की, मैं भी तिरंगे की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा जाविया बदलता हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसे दर पे रहता हूँ जिसके साबिर अलाउद्दीन अली अहमद कलियरी का दर कहते हैं जी। ये करम नवाजी से उनकी कदम बोसी के मुझे अपने दर पे रख रखा है, मैंने बात वहीं से उठा के की कि तिरंगा हमें 150 साल 50 साल या 100 साल पहले नहीं बल्कि 800 साल पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी ने दिया। क्या कहने, ये कहना बड़ी आसान बात है, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन इसी को साबित करना बड़ा मुश्किल है, मैं कोशिश करता हूँ साबित करने की। केसरिया रंग सर पे सजा है और सफेद लिबास, केसरिया रंग सर पे सजा है और सफेद लिबास, हरे रंग की चादर हसनी है उनकी मीरास, इस निस्बत से बना तिरंगा भारत की पहचान, ख्वाजा भारत के सुल्तान, ख्वाजा भारत के सुल्तान। वाह वाह वाह, देखिए आप आस्थाने के ऊपर केसरी रंग का परचम है, सरकार का रोजा सफेद रंग का है और चादर हरे रंग की जाती है, तिरंगे में तीनों रंग है, सरकार गरीब नवाज को ये तीनों रंगी क्यों पसंद आए। मैं अपना शेर पढ़ के और अपनी जगह लूंगा कि केसरिया रंग बना क्रांति, सफेद रंग से हुई शांति, हरा रंग है खुशहाली का, इन रंगों से सजा हुआ है सारा हिंदुस्तान, ख्वाजा भारत के सुल्तान, ख्वाजा भारत। बहुत बहुत मुबारकबाद आली जनाब ताबे।